वांछित अपराधी हथियार के साथ हुआ गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा मामला, कहां का है अपराधी। बिहार के सहरसा जिले से खबर आ रही है, जहां बीते गुरुवार को सहरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वांछित अपराधी संजय झा और उसके सहयोगी रमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, 2 मोबाइल बरामद किया। सदर थाना में SDPO आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अपराधी संजय झा अपने सहयोगी रमन कुमार के साथ सदर थाना क्षेत्र के कहराकुटी स्थित अपने निर्माणाधीन शिव मंदिर के प्रांगण में अपने एक अन्य साथी के साथ बैठा हुआ है। इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस व निरीक्षक मनीष कुमार दलबल के साथ उक्त स्थल पहुंचकर छापेमारी किया, जहां से अपराधी संजय झा और उसके सहयोगी रमन यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, 2 मोबाइल बरामद किया। दोनों अपराधी में एक अपराधी संजय झा कहरा का रहने वाला है, तो वही दूसरे अपराधी रमन यादव सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 का रहने वाला बताया जा रहा है। इस बाबत SDPO ने बताया कि कुख्यात अपराधी और दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति है। अभी हाल में ही 530/24 कांड दर्ज हुआ है, जिसमें दहशत फैलाने हेतु नरियार में पुला के पास हवाई फायरिंग किया था, जिसमें वो वांछित था। साथ ही इनका नाम भू माफिया के रूप में भी जाना जा रहा है। पब्लिक ऑर्डर के लिए ये खतरा बना हुआ था, साथ ही साथ हथियार के व्यापार में भी इनकी संलिप्तता बताई जा रही है। इनके ऊपर अभी तक 17 आपराधिक इतिहास की जानकारी मिली है और 2 कांड में वांछित भी था। ये पूरा मामले को लेकर SDPO ने क्या कुछ कहा, जरा भी सुनिए। 6 जून को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ, संजय झा पिता नवकांत झा साकिन कहरा, इनके निर्माणाधीन शिव मंदिर स्थित के प्रांगण में संजय झा अपने एक अन्य साथी के साथ हथियार लेकर बैठा हुआ है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सदर थाना एवं DIU की सहयोग से छापामारी किया गया, जिसमें संजय झा एवं अन्य व्यक्ति रमन यादव, पिता बद्री यादव, साकिन बटराहा को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल, एक अन्य मैगजीन बरामद हुआ है। गिरफ्तारी है संजय झा पेशर नवकांत झा साकिन कहरा, रमन यादव पेशर बद्री यादव, साकिन बटराहा, वार्ड नंबर 36। उल्लेखनीय है कि संजय झा एक कुख्यात अपराधी हैं एवं दबंग प्रवृत्ति के भी व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में एक 503/24 एक कांड दर्ज हुआ है, जिसमें इन्होंने दहशत फैलाने हेतु खुलेआम फायरिंग भी किया है नड़ियार में पुल के पास, जिसमें वह वांछित भी है। इनका नाम भू माफिया के रूप में भी आ रहा है। पब्लिक ऑर्डर के लिए ये खतरा बने हुए थे। हथियार के व्यापार में भी इनकी संलिप्तता की जानकारी मिली है। इनके ऊपर अभी तक 17 आपराधिक इतिहास की जानकारी मिली है और 2 कांड में ये वांछित भी थे। देखो भाई, आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावा खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तब लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें।